चिकन सूप। नानकराम गुड़ा के गांव में एक ढाबा था। उस ढाबा का मालिक था चाचा। चाचा जो चिकन सूप बनाता था वो उस एरिया में बहुत प्रसिद्ध था। हर रोज चाचा उसके आदमियों के साथ मिलकर तरह तरह के मुर्गियों को टोकरी के नीचे से निकालता था। फिर तरह तरह के सब्जियां लाकर उसके आदमियों के साथ कटवाता था। उसके बाद मुर्गी का मांस और वो कटे हुए सब्जियां और कुछ मसाला डालकर चिकन सूप तैयार करता था। चाचा को गणित अच्छा से आता है कहकर बहुत घमंड था। कस्टमर्स क्या खाए और कितने खाए ये सब उंगली पर गणित करके पैसे लेता था कस्टमर्स से। मटन करी 430, चिकन सूप 250, छह पराठे 1 का ₹20, तो हुआ 120। वाटर बॉटल 2, 1 का ₹20 है इसलिए ₹40, सब मिलाकर 840 हुआ है सर, पैसे दीजिए। कहा तब सर्वर, हाँ चाचा जी फटाफट क्या गणित करते हो, कैलकुलेटर से भी ज्यादा स्पीड हो आप, सच में आप तो बहुत महान हो जी। कहा तब चाचा, तो फिर क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, मैं पढ़ाई नहीं किया तो भी गणित में मुझसे कोई भी जीत नहीं सकता है, ऐसा गर्व से कहता था। एक दिन एक लड़का और एक लड़की ढाबा में आए। फिर दोनों ने चिकन सूप पिया और बिरयानी भी खाए। बाद में सर्वर बिल लाकर दिया और चला गया। वो बिल देखकर वो लड़की हैरान होकर, हाय राम, क्या विकी इतना बिल हुआ, मेरा बर्थडे है कहकर तुम इतना सारा पैसा खर्चा करना, ये मुझे पसंद नहीं है, बोली। तब विकी, स्वीटी हम प्यार करना शुरू करने के बाद ये तुम्हारा फर्स्ट बर्थडे है, अगर ये और भी मेमोरेबल होना है तो इस बिल को भी भरे बिना इधर से चले जाएंगे तो कैसा होगा, इस ढाबा ओनर को बहुत घमंड है, इसको सबक सिखाना है कहकर कब से मेरा इच्छा है। कहा तब स्वीटी, क्या बिल भरे बिना चले जाना, वो कैसे, पूछी। बाद में दोनों काउंटर के पास आए। तब विकी, क्या है जी बिल 450 हुआ तो 480 क्यों लिखे है। कहा तब चाचा बिल को लेकर देखा और, नहीं बेटा ये करेक्ट है, 480 ही हुआ है। कहा तब विकी, क्या जी आप भी इतना छोटा सा गणित को भी नहीं जानते हो और इतना बड़ा ढाबा कैसे चला रहे हो जी, पूछा। तब चाचा, क्या बेटा मुझे गणित नहीं आता है गणित में मुझे हराने वाले आज तक कोई भी नहीं है। कहा तब विकी, छह सच में अगर तुमको गणित नहीं आता है कहकर साबित किया तो इस बिल को छोड़ दोगे, कहकर पूछा। तब चाचा, हाँ हाँ छोड़ दूंगा, उतना ही नहीं आज इधर जो भी खाना खा रहे हैं वो सबको फ्री फ्री फ्री, बोलो क्या गणित करना है, कहकर पूछा। तब विकी, ओके तुमको एक कपड़ों का दुकान है, सोचो तुम्हारे दुकान में 3 आदमी आकर हर एक ने ₹10 देकर ₹30 से 3 हैंड कर्चिफ खरीदे, सोचो उन लोगों 3 हैंड कर्चिफ खरीदा है कहकर खुशी से तुमने ₹5 कम किया, तुम्हारे सेल्स बॉय ने ₹5 ले जाकर उन कस्टमर्स को वापस दिया, वो लोग भी बहुत खुश होकर तुम्हारे सेल्स बॉय को ₹2 टिप्स दिए, बचा हुआ ₹3 उन लोगों ने ₹1 लिया, क्लियर है ना, अभी एक एक व्यक्ति को एक एक हैंड कर्चिफ कितना पड़ा, पूछा। तब चाचा, यह भी कोई गणित है क्या, उतना भी पता नहीं क्या मुझे, ₹10 में ₹1 वापस आया इसलिए एक कचिफ का ₹9 पड़ा। कहा तब विक्की, ओहो अच्छा सच में, अब बताओ 3 ₹9 मिलाकर कितना हुआ, पूछा। तब चाचा, अरे 27 हुआ। कहा तब विक्की, सर्वर को कितना टिप दिया, पूछा। तब चाचा, ₹2 तो दिया है ना। तब विकी, अब 27 + 2 कितना हुआ, पूछा। तब चाचा, 27 + 2 तो 29 हुआ। कहा तब विकी, फिर वो ₹1 कहाँ गया, पूछा। तब चाचा एकदम हैरान हो गया। क्या क्या क्या, फिर से बताओ फिर से बताओ। कहा तब विकी, बहुत आसान है जी, इस बार ध्यान से सुनो, 3 आदमी आपके शॉप में आकर ₹30 देकर 3 हैंड कर्चिफ खरीदे, तुमने ₹5 कम किया और उस खुशी में वे लोग ₹5 में से ₹2 तुम्हारे बॉय को टिप दिए और बाकी के ₹3 में ₹1 वापस लिए, तब एक हैंड कर्चिफ एक एक आदमी को कितना पड़ा, पूछा। तब चाचा, एक का तो ₹10 पड़ा, फिर ₹1 वापस मिला तो ₹9 हो गया ना। कहा तब विक्की, 3 9 मिलाकर तो 27 हो गया और टिप ₹2, 27 + टिप ₹2 मिलाकर, अरे बाप रे 29। अरे बाबू मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, वो ₹1 कहाँ चला गया बताओ प्लीज। कहा तब विकी, वही तो मैं कह रहा हूँ, ₹1 का हिसाब नहीं पता कर सके और ये इतना बड़ा ढाबा का हिसाब क्या देख सकोगे, तुम खाली कंफ्यूज हो गए हो शायद, अब ये बताओ कि तुम चैलेंज हार गए हो कि नहीं, तो आज इधर सबको खाना फ्री है ना, पूछा। तब चाचा, बहुत भारी रूप में हार गया हूँ बेटा, कहकर खाने वालों से
आज सबको इधर खाना फ्री फ्री फ्री, कितना चाहिए उतना खाइए, कहकर चिल्लाया। तब खाने वाले सब लोग बहुत खुश हुए। बाद में चाचा, बाबू तुमको प्रणाम करता हूँ, आखिर में वो एक रुपए कहाँ गायब हो गया बताओ, पूछा। तब विक्की, अच्छे से सोचो पता चलेगा, कहकर स्वीटी के साथ चला गया। उस दिन से चाचा पागल बन गया, ढाबा को छोड़कर कपड़े फाड़कर बाल को लंबा बनाकर जो भी रास्ते में दिखते थे उनको वो एक रुपए कहाँ गया है कहकर पूछना शुरू किया। वे सब लोग जानते नहीं है कहकर कहने लगे, कुछ लोग तो उनको देखकर भागने लगे। चाचा, सबको प्रणाम कर रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको जवाब पता है तो प्लीज कृपया करके कमेंट्स में बताइए, वो एक रुपए कहाँ चला गया, वो एक रुपए कहाँ गया।